तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला अपने Instagram या फॉलोअर्स और लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं अपना Instagram ऐप ओपन करता हूँ, ओपन करने बाद आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे मुझे लाइक्स एंड फॉलोअर्स देखने मिल जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, देखिए कितने सारे फॉलोअर्स और लाइक्स मिल जा रहे हैं, वो भी विदाउट लॉगिन, जिसमें आपको कोई फेक आईडी नहीं बनानी है, कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना है, आपको सिर्फ आपका यूज़र नेम एंटर करना है। यूज़र नेम एंटर करते ही आपको 500 से 1000 फॉलोअर्स आराम से मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। न्यू ट्रिक लेके आ चुका हूँ मैं, तो जो कि किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं होगा, तो मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को ज़रा भी स्किप करते हो तो आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से मेरे फॉलोअर्स बढ़े, आप भी ऐसी फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ा सकते हो इसी तरीके से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो क्रोम है, क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ से सर्च वाले आइकन पे चले जाना है। यहाँ मैं सर्च पे जाता हूँ, सर्च पे मैं क्या क्लिक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको सर्च करना है कुक एपी, ठीक है, .com। इतना क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जैसे आप इस वेबसाइट पे चले जाते हो, वेबसाइट जाने के बाद आपको देखो यहाँ पहली वेबसाइट खुल के आ चुकी रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ आर्टिकल्स वगैरह दिखाए देंगे। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे फॉलोअर्स बनाए, लेकिन मैं इसमें विदाउट लॉगिन आपको फॉलोअर कैसे बना वो बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सेंड लिंक एंड अर्न का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद और नीचे में देखो आपको यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए इधर देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस यहाँ देखो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है पिंक कलर में, ठीक है। तो आपको यहीं क्लिक करना है गाइस, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक नया वेबसाइट आपके पास ओपन होके आ जाएगा। देखिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि नेट हमारा जो है स्लो चल रहा है गाइस। तो गाइस जैसे कि हम अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है, हमारा नेट का ज़रा प्रॉब्लम चल रहा था, वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। वेबसाइट होने के बाद आपको आराम से एक बार रिफ्रेश एंड रीलोड कर लेना है, ठीक है, ऊपर से नीचे एक बार रिफ्रेश है। इससे करने से क्या होता है गाइस, आपका जो है ना वेबसाइट अच्छे से वर्क करता है और फॉलोअर्स भी अच्छे खासे ले सकते हो अकाउंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऊपर से एक बार रिफ्रेश रीलोड कर लेता हूँ। रिफ्रेश रीलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, मैं आपको बता रहा कौन सा ऑप्शन। देखो आपको यहाँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिख रहा है, ये वाला ये फॉलोअर्स दिख रहा है ना, इस पे ही आपको क्लिक करना है। तो इस पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। और चाहे तो आप यहाँ इंस्टाग्राम लाइक्स व्यूज़ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रीड मोर, देखिएगा मैं यहाँ दिखा देता हूँ रीड मोर। यहाँ देखो आपको रीड मोर का ऑप्शन दिख रहा है, देखो रीड मोर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है गाइस। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, रीड मोर पे क्लिक करने के बाद एक नया आर्टिकल खुल के आ चुका है, मतलब वेबसाइट खुल के आ चुका है। तो इसको भी एक बार रिफ्रेश एंड रीलोड कर लेना, ऊपर से एंड नीचे से रिफ्रेश रीलोड कर लेना। इससे करने से क्या होता है गाइस, आपके फॉलोअर्स वगैरह जल्दी बढ़ते हैं, आप ये नहीं करते हो, सामने को लगना चाहिए कि कोई आर्टिकल पढ़ रहा है हमारा, तो इस वजह से आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश रीलोड कर लिया, अब आपको यहाँ स्क्रॉल कर करके आना है। वो दिखा रहा कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है इधर से, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो, स्क्रॉल स्क्रॉल करते हुए एक मिनट गाइस आपको दिख जाएगा। देखिए आपको देखो स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आते हो, आपको ना पिंक कलर में क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं दिखा दे रहा, ब्रश करके भी दिखा दे रहा, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इस पर ही आपको क्लिक करना है गाइस। तो मैं इस पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आ चुका रहेगा इस तरह वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंस्टाग्राम ऐसे लिख के आ गया रहेगा। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। यहाँ से स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ देखो आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है रेड में, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं ऑप्शन आपको रेड में। देखो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है गाइस। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद रिटर्न मेरे पास एक वेबसाइट खुल के आ चुकी है। वेबसाइट खुल के होने के बाद आपको यहाँ 20 सेकंड का वेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप 20 सेकंड का आ चुका है वेटिंग। तो यहाँ से वेट करना है, तब से जाके आप गाइस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तब से ये सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा टाइमर ख़त्म होता है, और टाइमर ख़त्म होता है हम ऑटोमेटिक अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद गाइज आपको यहाँ आपका रियल यूज़र नेम डालना है, जो रियल आईडी का यूज़र नेम है ना वो डालना है आपको। तो यहाँ से मैं रियल आईडी का यूज़र नेम डाल देता हूँ, विकास स्लैश भारती 088। और यहाँ से आपको ईमेल आईडी डाल देना है, मैं ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आप कौन सा भी डाल सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी है वही डालिए, कौन सा भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ हो नहीं है, लेकिन वो आपके मोबाइल में रजिस्टर होना चाहिए, विकास @gmail.com।
रखा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ डालते ही सबमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करते ही गाइस देखो आपको योर ऑर्डर सक्सेसफुली, यू कैन अगेन ऑर्डर आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो चुका है, अब 24 घंटे के बाद ये वेबसाइट का रिटर्न यूज़ कर सकते हो। अभी आपके अकाउंट में जो है फॉलोअर्स जा चुके रहेंगे, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो पे, जय हिंद, वंदे मातरम।